फ्रेंड्स, कोई बच्चा नया नया पैदा होता है तो उसके माता पिता को कुछ सामान्य बातों के बारे में कुछ ज्यादा ही उत्सुकता रहती है। कौन सी है वो ऐसी बातें जिनके बारे में नए नए माता पिता कुछ ज्यादा ही सोचते हैं? आइए जानते हैं मेरी आज की इस वीडियो के बारे में। मेरा बच्चा सिर और को कब संभालना शुरू करेगा? जी हाँ, अक्सर जब भी छोटा बच्चा होता है या फिर नवजात शिशु होता है तो वो अपने सिर को सही तरीके से संभाल नहीं पाता है, और इसीलिए बच्चे को होल्ड करते समय हमें उसकी गर्दन पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि उसकी गर्दन में झटका ना आ जाए। लेकिन यदि आपके मन में ये सवाल है कि आपका बच्चा अपनी गर्दन को या फिर अपने सर को कब संभालना शुरू करेगा, तो इसका जवाब बहुत ही सिंपल सा है। जब आपको ऐसा लगे कि नींद में आपका बच्चा सही तरीके से अपने आप करवट लेने लगा है, तब वह अपनी गर्दन को सही तरीके से संभाल सकता है। डायपर रैशेस को ठीक करने के लिए कौन कौन से उपचारों का प्रयोग हम कर सकते हैं? आप चाहें तो अपने बच्चों को छोटी उम्र में डायपर ना पहनाएं और या फिर उन्हें लंगोट पहनाएं, और यदि फिर भी उन्हें डायपर रैश हो जाते हैं तो आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। इसीलिए यदि आप एलोवेरा से डायपर रैश पर मसाज करेंगे तो ऐसा करने से बच्चे को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी। हमारा बच्चा कब करवट लेना शुरू करेगा? जी हाँ, कई माता पिता के मन में ये सवाल भी होता है। जब बच्चा 3 से 4 महीने का होने लगता है और थोड़ा बहुत सबको समझने लगता है तो वो अपने आप को करवट लेने योग्य भी बना लेता है, और जब आपका बच्चा सही तरीके से करवट लेने योग्य बन जाएगा तभी वो अपने आप को पूरी तरीके से संभाल पाएगा। हमें अपने बच्चे को या फिर नवजात शिशु को कब और किस समय नहलाना चाहिए? अक्सर ये सवाल भी माता पिता के मन में बहुत बार आता है। इसीलिए अगर नहलाने की बात है तो आपको अपने बच्चों को रोजाना नहलाना चाहिए और एक दिन छोड़कर उनका सर धोना चाहिए। ऐसा करने से वो संक्रमण के खतरे से भी दूर रहेंगे और उनको ज्यादा असुविधा भी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये है कुछ ऐसे सवाल जो हर माता पिता अपने आप से पूछते हैं। इसीलिए इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।